तिलव स्निग्धम मनोस्तु वाण्यम गुणवन माधुर्यम तिलगुड़ लड्डू कवत संबंधेयस्तु सूरतम। अर्थात तिल के समान हमारे मन में स्नेह हो व गुड़ के समान हमारी वाणी में मधुरता हो व तिल व लड्डू का जिस तरह घनिष्ठ संबंध है उसी प्रकार हमारे संबंधों में भी घनिष्ठता आए। सो अ वेरी हैप्पी हैप्पी मकर संक्रांति और पोंगल और उगाड़ी और उत्तरायण टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो भारत में आप सब लोगों को पता है आज यू नो मकर संक्रांति है एंड भारत में हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन सबके पीछे उनका एक साइंटिफिक रीज़न होता है। सो बेसिकली मकर संक्रांति एक ऐसा समय होता है जिस समय पे जो हमारा सूर्य है वो धनु एक्चुअली हर महीने जो सूर्य होता है वो एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में वो एंटर करता है। एंड 14 जनवरी एक ऐसा टाइम होता है जिस समय पे जो हमारा सूर्य है वो धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में एंटर करता है। इस वजह से इस फेस्टिवल को हम मकर संक्रांति कहते हैं। उसके अलावा कुछ लोग मकर संक्रांति को एज अ न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज मकर संक्रांति के समय पे जो हमारा सूर्य है उसकी दक्षिणायन गति खत्म होकर के वो उत्तरायण गति को शुरू करता है, इसलिए इसे हम उत्तरायण भी कहा जाता है इस फेस्टिवल को। एंड इस फेस्टिवल में अगर आप सबने नोटिस किया हो तो यू नो हमारे घरों में तिल का और गुड़ का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। आई बिलीव यू नो इफ़ यू आर स्टेइंग इन इंडिया एंड इवन इफ़ यू आर यू नो आउट ऑफ इंडिया एंड इफ़ यू आर स्टेइंग विथ योर फैमिली, सो आई एम श्योर दैट आपके घर पे ज़रूर तिल के लड्डू या तिल का कुछ ना कुछ ज़रूर बना हुआ होगा। सो बेसिकली ये भी माना जाता है कि जो हमारा जो तिल होता है वो भगवान विष्णु के शरीर से निकला हुआ है, तो इस समय पे तिल का ज़्यादा उपयोग करने से हमारे पाप जाएंगे और नेगेटिविटी जाती है। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द यू नो न्यूट्रिशनल बेनिफिट यू नो इस फेस्टिवल से न्यूट्रिशनली यू नो हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो तिल में हमारा कैल्शियम फॉलिक एसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड इवन फाइबर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। और उसके अलावा जब हम इसको गुड़ से कंबाइन करते हैं तो जो गुड़ है गुड़ भी आयरन का बहुत अच्छा एक सोर्स है। सो यू नो आई विल गाइड यू दैट यू नो व्हाट ऑल इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ यू कैन यू नो मेक दिस मकर संक्रांति एंड उसको आप इंजॉय कर सकते हो। सो आई बिलीव यू नो जो हमारे तिल और गुड़ के लड्डू हैं वो तो यू नो ऑलमोस्ट सबके घर में बनते हैं। हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर यू नो ग्रेटेड जिंजर जो हमारा अदरक है अदरक को भी हल्का सा किस करके इफ़ यू विल पुट सो यू नो उसका जो टेस्ट होगा वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा एंड इट विल हेल्प अस ग्रेटली टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी लेवल्स। अदर देन दैट यू नो देर इज़ वन मोर वेरी गुड रेसिपी ऑफ इट। हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली जब मैं मेरे कॉलेज टाइम में थी तो उस टाइम पे मेरे साथ मेरे बंगाली फ्रेंड्स थे, सो उन्होंने मुझे काफ़ी बार खिलाया था एंड आई यूज टू लव दैट डिश, सो दैट इज़ बैंगन का पकौड़ा। सो हाउ यू कैन प्रिपेयर इट, बेसिकली हम जो बैंगन होता है जो हमारे बड़े वाले जो भरते वाले बैंगन आते हैं यू कैन कट डाउन इन स्लाइसेज एंड यू नो यू कैन सोक इट इन द मस्टर्ड ऑयल जो हमारा सरसों का तेल होता है उसमें हम उसे भिगा सकते हैं। यू नो यू कैन ऑल्सो पुट सम जैगरी इन इट, जैगरी को डाल करके इवन हल्का सा जो हमारा चने का आटा उसको भी हम डाल सकते हैं इसके अंदर एंड यू कैन रोस्ट इट एंड यू कैन हैव इट, इवन यू कैन हैव इट अलॉन्ग विद खिचड़ी और मे बी अलॉन्ग विद द दाल चावल, सो इट इज़ ऑल्सो यू नो समथिंग विच इज़ वेरी गुड। अदर देन दैट जो हमारा लाई जो बनाते हैं तो लाई में हम क्या कर सकते हैं, परमल के साथ हम इसमें जो हमारा चिरौंजी आती है हम चिरौंजी को जनरली मिलाते हैं बट इंस्टेड ऑफ यू नो यूजिंग द चिरौंजी वॉट वी कैन यूज़ जैगरी। तो जो हमारा जैगरी होता है जैगरी में क्या होता है आयरन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। अदर देन दैट यू नो आई एम नॉट श्योर यू नो किसी आप लोगों के घर में अगर छोटे बच्चे तो आप लोग क्या कर सकते, जैसे मैं छोटी थी तो मैंने शक्कर के पराठे मैंने बहुत खाए मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बट नाउ वॉट यू कैन डू यू नो इफ किड्स आर देयर एट योर हाउस इंस्टेड ऑफ यू नो मेकिंग शक्कर का पराठा यू कैन पुट जैगरी इन इट। आप गुड़ का आप पराठा बना सकते हो, तो गुड़ में क्या होता है आयरन होता है, सो दैट विल हेल्प बच्चों के अंदर उनका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी वो हेल्प करेगा। सो यू नो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर सम जैगरी का पराठा ऑल्सो यू नो यू कैन प्रिपेयर, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी गुड। सो दिस इज़ हाउ यू नो अलग अलग तरीके से इवन यू नो आपने जो तिल्ली होगी तिल्ली की चटनी बना करके भी उसका उपयोग आप लोग कर सकते हो, सो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो वॉट आई विल डू यू नो लेट मी नो मे बी आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑफ द रेसिपीज एज वेल, सो यू नो यू कैन रेफर दैट और इन द डिस्क्रिप्शन आई विल पुट दीज रेसिपीज विच यू कैन ट्राई। एंड अदर देन सी दीज रेसिपीज ऑल्सो इन राजस्थान पतंग उड़ाने का काफ़ी अच्छा और बहुत लंबा फेस्टिवल इस समय पे चलता है,
इस समय पे एक्चुअली यू नो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर यू नो काइट्स और पतंग होती है, आप लोग यू नो अपने घर में फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ आप उसे बना सकते हो. सो यू नो एक बॉन्डिंग भी उससे काफ़ी अच्छा होता है. एंड यू नो वी कैन हैव सम सेपरेट टाइम यू नो अदर देन अवर मोबाइल फोन और द डिजिटल लाइफ. सो दैट विल बी वेरी गुड, यू कैन डू दैट. अदर देन दैट सपोज अगर आपको उस चीज़ का भी टाइम नहीं है तो आप ऐसे यू नो आप बाहर से पतंग को लेकर के आप बाहर आप उड़ा सकते हो. उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, अभी के समय पे जो सनलाइट होगी, सनलाइट में अगर आप दिन में आप उड़ा रहे हो तो उसमें जो उससे जो विटामिन डी है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे शरीर को इस समय पे मिलता है. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू नो विच इज़ विटामिन डी अगर हमें अच्छे उसमें रहेगा, हमारा बोन्स हो गया है बोन्स, इट विल बी यू नो गुड. सो कोशिश कीजिए यू नो पतंग भी उड़ाइए सो दैट यू नो यू कैन फुलफिल योर विटामिन डी स्टोर्स. ऑल राइट, सो अच्छे से इंजॉय कीजिए, अच्छे से खाइए. या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर हैविंग डायबिटीज़, इन दैट केस वॉट यू कैन डू इंस्टेड ऑफ यूजिंग द जागरी, अगर आप में से किसी लोगों को अगर शुगर की बीमारी है तो हम गुड़ के उपयोग की बजाय हम जो हमारा खजूर का जो पाउडर है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इवन सपोज इवन इफ योर ब्लड शुगर लेवल इज इन कंट्रोल रेंज, इन दैट केस इन स्मॉल पोर्शन साइज यू कैन हैव दैट, ट्राई नॉट टू एक्सीड दैट. And a happy, happy Makar Sankranti to each and every one of you once again. Do let us know if you want us to know, you know, make any specific video. So we will surely make it and we'll get back again.